আমরা প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য এসেছি, পুলিশ প্রশাসন, কারণ বিজেপির এক শ্রেণীর নেতৃত্ব রয়েছে যারা পুলিশ প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে এলাকায় কয়লা এবং বালি এগুলো চালাবার চেষ্টা করছে বেআইনিভাবে। আমাদের নেত্রী মমতাদি যেহেতু বলেছেন যে এগুলো কোনো রকমভাবে করা যাবে না, তাই তার দলের নির্দেশটাই হচ্ছে আমাদের কাছে নির্দেশ, এবং আমরা সেই মতো প্রতিবাদ জানাতে এসেছি যে এরা যেন কোনোভাবেই এই এলাকায় কোনোভাবে এসব বালি কয়লা লোহা এগুলো যাতে কারবার না হয় এটা দেখার জন্য। এবং শুধু বিজেপির বলে নয়, যদি আমাদের দলের উপরে কেউ এইসবের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাদেরকেও আমরা বলেছি পুলিশকে কোনো কথা শোনার দরকার নেই, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তৃণমূল কংগ্রেস নে पूर्व विधायक के नेतृत्व में एक भारी भरकम भीड़ के साथ डेप्यूटेशन दिया। मैं ये प्रशासन के नजर में लाना चाहता हूं कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट का केस बनता है। अगर बीजेपी कहीं डेप्यूटेशन देता है तो ये बोला जाता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या तृणमूल कांग्रेस की सरकार के लिए लॉकडाउन नहीं है? और पूर्व विधायक साहब का स्टेटमेंट से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बालू और कोयला अपने चरम सीमा में चल रहा था तब आप डेप्यूटेशन क्यों नहीं दिए? आप विधायक थे उस समय, आपको डेप्यूटेशन देना चाहिए था, जनता का मैंडेट आपके साथ था। आज बीजेपी का विधायक पुलटी में जीत जाने के बाद अराजकता फैलाया जा रहा है, ऐसा आपका स्टेटमेंट है, ये हंसी का पात्र है। कुलटी की जनता ये बात पर हंसेगी, और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है ये सीबीआई और एनआईए जांच में किस तरीके से कोयला स्कैम में फंस रहे हैं ये जनता से छुपा नहीं है, और इसका परिणाम जल्द आएगा।